मैं और मेरी बहन ना एक बहुत ही हम टैग टीम है। हम ना अच्छा छोटे थे तभी रियलाइज हो गया था कि यार जो करना है ना खुद करना है। विद माय फादर वी लॉस्ट हिम टू कैंसर, सो वी सॉ वेरी प्रोलॉन्ग्ड सिकनेस विद हिम, यू नो। और जब इतनी बड़ी बीमारी होती है ना किसी भी घर में तो बहुत चीजों का सेटबैक आ जाता है। यू नो, एक फाइनेंशियल सेटबैक आता है, एक इमोशनल सेटबैक आता है। मम्मी और ऑब्वियसली माय फादर वाज इन द हॉस्पिटल फॉर मेनी इयर्स एंड माय मदर वुड बी विद हिम। तो एक ना हमें आदत हो गई एक दूसरे का ख्याल रखने की। यू नो, 3 साल का डिफरेंस है हम दोनों में, छोटी है वो, लेकिन उसने भी उसी तरह से मेरा ख्याल रखा जिस तरह से मैंने उसका ख्याल रखा। तो हम ना, मतलब कहते हैं ना, टू बॉडीज इन वन सोल, हमारा रिलेशनशिप वैसा है। यू नो, वी आर पार्टनर्स इन लाइफ, वी आर बिजनेस पार्टनर्स, एंड शी इज माई बिगेस्ट क्रिटिक, एंड इवन द सेम इज विद माई मदर। यू नो, शी इज माई मदर, लेकिन मैं कोई स्क्रिप्ट साइन नहीं करती बिना उनकी हाँ के। वो मेरी एक एक अच्छा स्क्रिप्ट पढ़ती है। माई सिस्टर इज नॉट इन्वॉल्व इन माई करियर, वो उसको फिल्में विल्में ना समझ नहीं आती, वकील है ना, तो वो देख लेती है, वो आपकी पक्का वो ऑडियंस है। यू नो, वो मैं कभी बोलती समीक्षा सुन ले यार, बिकॉज़ आई थिंक शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। नहीं 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 आई विल सी, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस। मम्मा इज वेरी इन्वॉल्व्ड, यू नो, सो एवरी डिसीजन दैट आई टेक, इन फैक्ट देयर आर टाइम्स दैट माय मॉम आल्सो इज इन्वॉल्व्ड विद माय प्रिपरेशन। जैसे सांड की आंख मैंने एक फिल्म करी थी तापसी के साथ, बिल्कुल तो उसमें तो मतलब जो भी मैंने काम किया है वो मेरी माँ की वजह से है, क्योंकि मैं हरियाणा की हूँ, आदि जाट हूँ मैं, तो वो कल्चर जानती हूँ। और जो मैंने मेरी नानी चैनलाइज की थी, जो मैंने कैरेक्टर डिपिक्ट किया था चंद्रो दादी का, तो उसमें 50% चंद्रो दादी थी, 50% मेरी नानी थी। तो रोज मम्मी मेरे साथ उठती थी 4:30 बजे, हम 1 घंटा रिहर्सल करते थे, क्योंकि ना ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मैंने कहा ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, यू नो, बिल्कुल ये तो नहीं होगा। और स्पेशली एक ऐसा किरदार जो मेरे कल्चर के इतने पास हो, इट वॉन्ट हैपन। तो यू नो, छोटी छोटी जो, जैसे मेरी नानी बात करती थी यूं करके, और उनका थपथपाना और उनकी चाल, जो छाती चौड़ा चौड़ी करके अपनी वो चलती थी, जो एक मर्दानापन था उनमें, इन अ गुड वे। फॉर मी, इफ आई कॉल समबडी माचो, इवन इफ इट्स अ वुमन, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, और इफ आई कॉल अ मैन फेमिनिन, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मैं बहुत ही एब्सोल्युटली जेंडर न्यूट्रल किस्म की बिल्कुल इंसान हूँ। तो ये सब, मेरी नानी गुजर गई थी तब तक ये मौका आया, और काफी चीजें मुझे उनकी याद थी, लेकिन जो छोटी छोटी नुआंसेस होती है ना वो मेरी मम्मी ने इतनी मुझे बताई, लैंग्वेज वगैरह। सो आई फील वेरी लकी कि एक ऐसे फैमिली में मैं हूँ जहाँ पे हम एक दूसरे के जीवन में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, यू नो, प्रोफेशनली पर्सनली। यू नो, जब छोटे थे तब भी कभी ऐसा टाइम नहीं था कि यू नो, होता है जब आप टीनेजर्स होते हो, यू नो, बॉयज प्ले रियली सिली प्रैंक्स, यू नो, कभी कभी आप घबरा जाते हो, वो ऐसे प्रैंक्स होते हैं कि लगता है अगर पेरेंट्स को बोलेंगे तो यू नो शायद दे माइट स्टॉप यू, दे माइट ग्राउंड यू, गलतियां हो जाती है। बट मेरे घर में वो नहीं था। द फर्स्ट पर्सन आई वुड गो कन्फाइड इन वो माई पेरेंट्स, माई डैड इंक्लूडेड। यू नो, बहुत डरते थे उनसे, लेकिन एक बहुत ही कैसे मैं आपको बताऊँ, एक ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पे मुझे पता था कि दिक्कत कोई भी हो, फर्स्ट आई गो टेल माई फादर, यू नो। सो नाउ दैट आई लुक बैक, एंड ऑनेस्टली का जो फिल्में कर रही हूँ, जितना एक बार जब काम शुरू करते हैं तब आप नो बिग बैड वर्ल्ड में घुसते हैं, और तब रियलाइज होता है कि माय गॉड, द पेरेंटिंग दैट दे गिवन अस, यू नो, जिस जिस माहौल में उन्होंने हमें बड़ा किया, थैंक गॉड फॉर दैट, क्योंकि हम सच में प्रिविलेज्ड है और हम हमारी प्रिविलेज रियलाइज नहीं करते हैं। आपके किरदार जो भी आप पार्ट्स प्ले करती हैं, एक लेवल पे आपको क्लीशेड सवाल लग सकता है, लेकिन आई एम क्यूरियस टू नो, डू दे अफेक्ट यू? डू दे मैटर टू यू? अ लॉट सर, आई विल नेवर डू एनी थिंग दैट आई डोंट बिलीव इन, दैट विल नॉट चेंज मी एज अ पर्सन। एवरी फिल्म दैट आई हैव डन हैज चेंज मी एज अ पर्सन, एंड इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा ना कि मुझे लगता है मैं एक और अच्छी इंसान बनती जा रही हूँ हर फिल्म एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मेरी फिल्में भी ऐसे होती है ना जो बहुत ह्यूमेन स्टोरीज होती हैं। यू नो, वो किरदार ही ऐसे होते हैं कि अगर आप उनके एक जीवन से कुछ सीखो ना, देन इट्स अ वेरी बिग लॉस। अगर मैं ही कुछ सीख नहीं पा रही तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ऑडियंस का की सोच इससे बदलेगी।
कोशिश यही होती है, एंड मैं अपने कैरेक्टर से डिटैच नहीं हो पाती, मुझे बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं बहुत प्रेप में बिलीव करती हूँ, मुझे मजा आता है। मतलब बहुत से एक्टर्स होते हैं जो नहीं करते हैं, मैं तो बहुत, मुझे इतना मजा आता है। मैं ना हर फिल्म में एक बुक बनाती हूँ, हर फिल्म की मेरी एक इंडिविजुअल बाइबल है जो मैं क्रिएट करती हूँ। बहुत अच्छा कुछ होता है उसमें, पता नहीं क्या क्या होता है, एंड इतनी, मतलब आप ये सारे कैरेक्टर्स इतने एम्पावर्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनकी सोच से मैं इतना सीखती हूँ।